आसमान में दिखाई देने वाले तारे को अक्सर आप गौर से देखते होंगे या कभी कभी सूर्य की ओर देखने का प्रयास करते होंगे, और जब भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देखते होंगे तो मुंह से एक ही शब्द निकलता होगा, वाह। लेकिन अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में हमें थोड़ा देर से पता चलता है। आपसे इतनी खूबसूरत बातें मिस ना हो, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्ट्रोनॉमी कैलेंडर, जिसके जरिए आप आसानी से साल 2018 के अद्भुत खगोलीय घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। 2018 में आपको 2 चंद्र ग्रहण, 3 सूर्य ग्रहण देखने को मिलेंगे, तो वहीं इस बार फिर से आपको सुपर मून के दर्शन भी होने वाले हैं। 2018 में 15 और 16 फरवरी को आंशिक सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों और दुनिया के कुछ अन्य इलाकों में दिखेगा। ये भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका असर राशियों पर जरूर होगा। तो वहीं 13 जुलाई को आंशिक सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में दिखाई देगा, जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहण 27 जुलाई को रात में 11:54 पर शुरू होकर 3:49 पर खत्म होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3:55 की होगी। ये अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के कुछ इलाकों में दिखाई देगा। इसके साथ ही आंशिक सूर्य ग्रहण 11 अगस्त 2018 को दिखाई देगा। ये उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन में दिखेगा, लेकिन भारत में नहीं। वहीं साल 2018 में 5 जनवरी को सबसे छोटा दिन और बड़ी रात होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस दिन मकर रेखा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होगी। इसी के चलते इस दिन की अवधि कम होगी, जबकि 22 मार्च और 26 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में स्थित सभी देशों में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होगी। इसके अलावा 1 और 31 जनवरी को सुपर मून देखने को। आसमान में दिखाई देने वाले तारे को अक्सर आप गौर से देखते होंगे या कभी कभी सूर्य की ओर देखने का प्रयास करते होंगे, और जब भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देखते होंगे तो मुंह से एक ही शब्द निकलता होगा, वाह। लेकिन अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में हमें थोड़ा देर से पता चलता है। आपसे इतनी खूबसूरत बातें मिस ना हो, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्ट्रोनॉमी कैलेंडर, जिसके जरिए आप आसानी से साल 2018 के अद्भुत खगोलीय घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। 2018 में आपको 2 चंद्र ग्रहण, 3 सूर्य ग्रहण देखने को मिलेंगे, तो वहीं इस बार फिर से आपको सुपर मून के दर्शन भी होने वाले हैं। 2018 में 15 और 16 फरवरी को आंशिक सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों और दुनिया के कुछ अन्य इलाकों में दिखेगा। ये भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका असर राशियों पर जरूर होगा। तो वहीं 13 जुलाई को आंशिक सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में दिखाई देगा, जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहण 27 जुलाई को रात में 11:54 पर शुरू होकर 3:49 पर खत्म होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3:55 की होगी। ये अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के कुछ इलाकों में दिखाई देगा। इसके साथ ही आंशिक सूर्य ग्रहण 11 अगस्त 2018 को दिखाई देगा। ये उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन में दिखेगा, लेकिन भारत में नहीं। वहीं साल 2018 में 5 जनवरी को सबसे छोटा दिन और बड़ी रात होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस दिन मकर रेखा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होगी। इसी के चलते इस दिन की अवधि कम होगी, जबकि 22 मार्च और 26 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में स्थित सभी देशों में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होगी। इसके अलावा 1 और 31 जनवरी को सुपर मून देखने को।